उठाने को राजी नहीं है तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे, जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओं को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। हम नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएंगे जनता, लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। सांसद चंद्रशेखर ने संसद भवन में बोलने न दिए जाने पर एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी। उन्होंने दोनों हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और संसद के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दलित उत्पीड़न पर बोलने की इजाजत नहीं है तो हम संसद में क्या करेंगे। ये बयान उस समय आया जब उन्होंने स्पीकर से दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें जवाब में कोई सहूलियत नहीं मिली। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि स्पीकर ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण उन्होंने संसद में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि हमने स्पीकर से समय मांगा लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। अगर हमें दलित उत्पीड़न पर बोलने की इजाजत नहीं है तो हम संसद में क्या करेंगे। सांसद चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि उनकी चिंता केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरे लोकतंत्र और संसद की भूमिका पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। उनका मानना है कि यदि संसद में प्रतिनिधियों को जरूरी मुद्दों पर बात करने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसका मतलब यह है कि संसद की भूमिका और कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। और क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने आप भी सुनिए। ऐसे लोगों को कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है, आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे, जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकरलाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओं को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। हम नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता, लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। इसके लिए जो भर्ती आ रही है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रख लो। 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला किया है, 6,800 नियुक्तियां आपने जारी की थी, उसका भी उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रख लो। कहां का ट्रांसपेरेंसी रखोगे? ट्रांसपेरेंसी सिर्फ जो है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों बांटने में नजर आती है, उसके अलावा नजर आती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार कभी ये मान पाती कि उन्होंने जो फैसला किया था, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था वो गलत था। ये मैं कह रहा हूं, इसको ये निहायत सड़े हुए गुंडई के फैसले, इनका जो है इंतजाम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। और आप देखना उपचुनाव में भी सूर समय सबक जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता सिखाए। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।